भाई दोस्तों, आपको कवच की मंजोली का याद है भाई? वही हमारी महक चहल, उसके बाद से तो वो दिखी नहीं रही, लेकिन फिलहाल हमने सास बहू के कैमरे में उन्हें कैप्चर किया है। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा के पास, जो जान रहे हैं कि आखिर महक चहल कौन से रैंप पे अपने फैशन के जलवे बिखेर रही हैं। सास बहू सीरियल को जितना प्यार देते हैं, उसको नंबर वन शो आपने बनाया 4 हफ्तों से नंबर, और हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको आपके फेवरेट स्टार से रूबरू कराएं। हमारे साथ कवच की मंजोली का है, जिसको आप देख चुके हैं मंजोली का रूप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैंने शुरुआत की थी कवच में मंजोली का से, और पहले के कुछ 7 या 8 एपिसोड में मैं थी, लेकिन उसके बाद मेरी एक नी का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी मंजोली का चेंज हो गई है। अभी सारा खान कर रहे हैं वो रोल। ये बताइए कि ये भी सुना था कि मंजोली का के जो आपने जो रूप था, आपका जो अवतार था, काफी लोगों को पसंद आया, प्लस सलमान भाई को भी पसंद आया, तो उन्होंने आपको स्कोल्डिंग भी लगाई थी, आपने क्यों छोड़ा ये शो? साहब जाहिर है, जो सबसे पहले होता है हेल्थ, तो अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप आगे भी जाके काम नहीं कर सकते हैं। और जब आप टीवी शो, मेरा पहला टीवी शो था, और टीवी शो जब आप करते हैं तो 12 घंटे लगते हैं, कभी कभार 12 घंटे से ज्यादा भी लगते हैं, तो मेरी हेल्थ वो अलाउ नहीं कर रही थी, तो इसलिए मुझे रेस्ट करना पड़ा। चलिए ये बताइए, जो महक में सी जोड़ने का जो आपने जो जोड़ा है उसके अंदर, उसके पीछे क्या राज है? लक की वजह से काम कर रहा है, लक साफ जा रहा है, हो रहा है, इसलिए तो मैंने चेंज किया है। विद्या आपसे जान चाहेंगे कि विद्या को अब हम कब और कैसे कहाँ देख सकेंगे? आप मुझे कब कैसे कहाँ देख सकेंगे? अभी तो यहाँ देख रहे हो सुभाष दादा के साथ उनके एकेडमी के लॉन्च पे। इसके बाद श्योरली यू विल सी मी इन समथिंग दैट्स कमिंग अप अर्ली नेक्स्ट ईयर। शूट आई एम गोना स्टार्ट नेक्स्ट बाय नवंबर। सो एक अच्छी नई फिल्म है जो मैं कर रही हूँ, उसके अलावा वेल आई एम डूइंग योगा, सो मैं वर्कशॉप्स करती हूँ, मैं टीच करती हूँ, सो दैट्स व्हाट आई डू नाउ। सो मैक इज वर्किंग ऑन नाउ। मैं कभी रेस्ट कर रही है, अपने टांग ठीक कर रही है। मैं अभी सुभाष को बोल रही थी कि 3 महीने के बाद जब से मेरी इंजरी हुई है, आज पहली बार काम कर रही हूँ, स्टेज पे आई हूँ, चल पाऊंगी नहीं, मैं चप्पल पहन के हील भी नहीं पहनी है मैंने, तो मुझे लगता है 1-2 महीने और एंड देन आई विल बी ओके एंड आई विल बी बैक ऑन माय फीट। विद्या को सबसे ज्यादा क्या पसंद है अगर हम देखें? बिकॉज आप मूवीज आपने कर चुके, चक दे आपने इतना बेहतरीन रोल निभाया था, तो अब आगे ऐसे कौन सा रोल आप करना चाहते हैं? बिकॉज वी आर सीइंग सो मेनी पीरियोडिक फिल्म्स कमिंग इन द इंडस्ट्री, आप ऐसा कौन सा किरदार? वेल आई वांटेड टू वर्क इन एन इंटरनेशनल फिल्म व्हिच आई जस्ट फिनिश्ड। मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म अभी फिनिश की है जो फरवरी 2nd वीक में रिलीज होगी, एंड या सो आई एम नाउ मूविंग वेस्टवर्ड आई गेस। द वे वी सॉ महक इन वॉन्टेड, सो देयर सो मेनी मूवीज जिसको हम देख रहे हैं कि वुमेन ओरिएंटेड मूवीज जिसको कहते हैं, एक्शन अवतार अकीरा भी रिसेंट थी, तो ऐसा कौन सा आप करना चाहते हैं वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जिसमें आपको लगता है कि बैक अपना पूरा 100% देके कर सकते? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि साहब, जो हमारी मूवीज होती हैं कई बार ज्यादातर वो लव स्टोरीज होती हैं या ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए जिससे लोग कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने हॉलीवुड की मूवीज भी देखी है तो उनके सब्जेक्ट्स जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक मैसेज भी होता है काफी, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। सो एनी सब्जेक्ट जो इंडिया में कितने से ऐसे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स ऐसे वुमेन्स को लेके नहीं, चिल्ड्रन, मैन, सोसाइटी, सो मेनी थिंग्स की जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, मैं चाहती हूँ कि इन सब चीजों पर आप फिल्म बनाओ और लोगों को बताओ, सिखाओ और चेंज करो जो हमारा यह देश है। जो अच्छी बातें नहीं है उनको, बहुत अच्छी बातें भी है हमारे देश में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनको एटलीस्ट वी कैन चेंज इन अ गुड मैनर, एंड दैट इज ओनली व्हेन वी सी समथिंग वेयर वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। विद्या आपका कौन सा ड्रीम रोल है? क्योंकि हर किसी का एक ड्रीम रोल होता है, विद्या का कौन सा ड्रीम रोल जिसको वो करना चाहती है, पर्दे पर निभाना चाहती है? सो आई थिंक मैं आई हैव बीन अ डांसर, मैं कथक भी करती हूँ, मैं बैले भी करती हूँ, मैं कंटेम्पररी भी करती हूँ, बट इफ आई हैव टू हैव अ ड्रीम रोल आई थिंक इट कुड प्रोबेबली बी मुगले आजम, मधुबाला। The same acting and dancing both. yeah, beautiful. Thank you talking to us both of you. Thank you. तो ये थी हमारे साथ दो प्रीति लीजी, उन्होंने बताया कि they are doing many more good movies जिसको जल्दी जिनको आप पर्दे पे देख सकेंगे। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार।